अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू प्लांट इकोलॉजी द क्लास ऑफ प्लांट इकोलॉजी वन ऑफ सिक्स सेमेस्टर। हमने स्टार्ट किया था ऑक्सीजन डिफिशेंसी का चैप्टर नंबर सिक्स। उसका आज सब टॉपिक है एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स अंडर ऑक्सीजन डिफिशेंसी। और आज हम कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को हम समराइज कर लें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो समरी कुछ यूँ है कि ड्यूरिंग लेवल लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन सेल स्टार्ट फर्मेंटेटिव रिस्पायरेशन। आपको पता है कि जब भी ऑक्सीजन की कमी का सामना हो सेल्स को या इवन एज होल ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट में सेल्स के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो तो नॉर्मली प्लांट सेल्स स्टार्ट कर लेते हैं फर्मेंटेटिव रिस्पायरेशन, यानी सिंपल हम उसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेटिव रिस्पायरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट में सेल्स के इनसाइड या साइटोप्लाज्म में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है। एज ए रिजल्ट अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट्स इन द सेल्स और एनर्जी लेवल भी काफ़ी लो होता है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो सकती, नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी की मौजूदगी में, यानी जब ऑक्सीजन कम हो तो उस दौरान ग्रोथ नहीं हो सकती। ये एनर्जी लेवल जो है वो इतनी कम होती है कि इसके लिए हम एक और लफ्ज यूज कर सकते हैं, एनर्जी चेंज का लफ्ज यूज करते हैं। एनर्जी चेंज तकरीबन वन तक होती है और नॉर्मल ऑक्सीजन की मौजूदगी में बहुत सारे सेल्स की 0.7 to 0.9 के दरमियान एनर्जी लेवल सॉरी एनर्जी चेंज उसकी होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो तो उस लो एनर्जी लेवल के दौरान भी ग्रोथ नहीं हो सकती। ड्राई सीरियल सीड्स नीड स्टार्च, वो स्टार्च मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स उनको चाहिए, खासकर जो सीरियल सीड्स हैं और वो उनको स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स चाहिए और उन एंजाइम्स में एक दो हम एंजाइम्स हैं, एक अल्फा एमाइलेज और दूसरा बीटा एमाइलेज। और ये एंजाइम्स इन सेल्स में जब प्रोडक्शन होगी तो उसके प्रोडक्शन के लिए दे नीड्स ऑक्सीजन। लेकिन ऐसे प्लांट्स सीड जो कि फ्लड रेजिस्टेंट है, फ्लड रेजिस्टेंट मींस के ऐसे प्लांट्स जो ऑक्सीजन डिफिशिएंट एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइस वाला प्लांट जो है उसके सीड्स जो है इवन ऑक्सीजन की एब्सेंशिया में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी वो जर्मिनेट कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज दीज एंजाइम्स विदाउट ऑक्सीजन। ये जो दो एंजाइम्स का जिक्र हमने कर लिया, इस एंजाइम्स को चूंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन इन स्पेशल प्लांट्स में जो फ्लड रेजिस्टेंट प्लांट्स है फॉर एग्जांपल राइस, वो उनमें ये एंजाइम्स अल्फा और बीटा एमाइलेज एंजाइम्स जो कि मोस्टली स्टार्च मेटाबॉलिज्म के लिए नीडेड है, उनमें इनकी प्रोडक्शन, इन दो एंजाइम्स की प्रोडक्शन ऑक्सीजन के बगैर भी मुमकिन है। कैसे मुमकिन है वो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मालूम हो जाएगा। एक्युमुलेशन ऑफ इथेनॉल डिस्ट्रॉय सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जब एक ज्यादा अमाउंट में इथेनॉल एक्युमुलेट हो जाए साइटोप्लाज्म में तो वो मेम्ब्रेन्स की जो परमेबिलिटी है, खासकर जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, उसको खराब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। सिमिलरली लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन लोअर्स द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि नाम से जाहिर है एसिड है तो पीएच को लोअर करेगा।
But lactate dehydrogenase is inhibited by low pH. Lactic acid production के लिए जो enzyme lactate dehydrogenase है वो lactic acid तो produce कर रहा है, लेकिन एक खास level तक जब pH आ जाए यानी low हो जाए तो इसकी production या इसकी activity inhibit हो जाती है by low pH. While pyruvate decarboxylase जो कि pH insensitive enzyme है produces acetaldehyde which is more poisonous than alcohol. इथेनॉल या अल्कोहल से मोर पॉइजनस है और एसिटाल्डिहाइड आपको पता है इट इज द प्रीकर्सर ऑफ इथेनॉल. सर्टेन बायोकेमिकल एडेप्टेशंस टू अकर. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो फ्लड रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं उनमें सर्टेन बायोकेमिकल एडेप्टेशंस भी होती हैं और इनमें प्रोडक्शन ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स यानी बेसिक अमीनो एसिड्स वो जिनका पीएच 7 से ज्यादा होगा सच एज एस्पर्जीन एंड गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जिसको हम गाबा भी कह सकते हैं. ये इन अमीनो एसिड्स की यानी ये जो बेसिक अमीनो एसिड्स है फॉर एग्जांपल एस्पर्जीन और गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड इनके एक्यूमुलेशन या इनकी सिंथेसिस बढ़ जाती है ज्यादा हो जाती है ताकि पीएच लेवल को काउंटर कर सके. Species not tolerant to flooding show drought stress responses by increasing production of abscisic acid and death of plant roots or even the plant dies. यानी जो tolerant नहीं है वो species जो flood tolerant नहीं है यानी ऐसे environment में जो survive ना कर सके जो plant जहाँ पर oxygen की कमी हो खासकर उसके soil में फ्लडिंग की वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से उनमें वो दे शो ड्राउट स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस यानी वहां पर पानी तो ज्यादा होता है अगर हम कह दें कि पानी काफी मिकदार में होता है उसके सॉइल में उसके एनवायरमेंट में उसके राइजोस्फीयर में लेकिन बट दे शो ड्राउट स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ एब्सेसिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है उसके रूट्स में उसके दूसरे पार्ट्स में. इसके अलावा उनकी स्टोमेटा भी क्लोज कर लेता है और इवन के रूट की डेथ और एज ए होल प्लांट डेथ हो सकती है. क्योंकि ये क्यों होता है इसलिए ये हो रहा है पानी का की कमी का सामना वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट्स को इन रेजिस्टेंट सॉरी टल जो रेजिस्टेंट प्लांट्स है फ्लड रेजिस्टेंट प्लांट्स जो नहीं है यानी सेंसिटिव प्लांट्स जो है उनके रूट्स जो है वो सही तरह से रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन डिफिशियंसी का सामना है. उस ऑक्सीजन डिफिशियंट एनवायरनमेंट में रूट्स की डेथ हो सकती है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स और इवन के एज ए होल प्लांट्स भी डाई हो यानी मर सकता है. इन रेजिस्टेंट प्लांट्स एनएरोबिक पॉलीपेप्टाइड्स या एनपीस और एनएरोबिक स्ट्रेस प्रोटीन्स प्रोडक्शन इज इंड्यूस्ड. ये प्रोडक्शन इन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जो कि मोस्टली फर्मेंटेटिंग फर्मेंटेशन एंजाइम्स ही है. ये तकरीबन 20 अक्साम इसकी प्रोड्यूस होती है इससे ज्यादा तकरीबन 20 टाइप्स के डिफरेंट ये एनएरोबिक स्ट्रेस प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं या एनएरोबिक पॉलीपेप्टाइड्स प्रोडक्शन इनकी इंड्यूस्ड हो जाती है बढ़ जाती है खासकर एनएरोबिक कंडीशंस में. और लेकिन जो रेजिस्टेंट प्लांट्स से अगर लॉन्ग टर्म एनाक्सिया हो तो उस वक्त दे स्टार्ट्स एनएरोबिक रिट्रीट या दे शो एनएरोबिक रिट्रीट उसमें हो जाती है. और एनएरोबिक रिट्रीट के दौरान होता क्या है इस दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी स्लो या इवन स्टॉप हो जाती है. अब इन प्लांट्स में जो हाइपॉक्सिया एनाक्सिया सेंसिटिव प्लांट्स और टॉलरेंट प्लांट्स में डिफरेंसेस कहां पर है डिफरेंसेस और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन एक डिफरेंस उनके सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स में है. फॉस्फोलिपिड्स जो है जो टॉलरेंट प्लांट्स हैं उसमें सेंसिटिव
नहीं होते, ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते हैं, जबकि जो सेंसिटिव प्लांट्स में उसमें बहुत जल्दी सेल मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑक्सीजन डिफिशेंसी के दौरान, या हाइपोक्सिया या एनाक्सिया। यानी हाइपोक्सिया मीन्स आपको पता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और एनाक्सिया मीन्स इवन विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बिल्कुल हो ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ, एक एक पॉइंट्स हम देखेंगे तफसील के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।